आज हम बात करेंगे संबंधों पर, क्योंकि जगत का सारा व्यवहार संबंधों पर टिका है। कहीं पारिवारिक संबंध होता है तो कहीं कारोबार का रिश्ता होता है। पिता पुत्र का संबंध और पति पत्नी में अंतर प्रतीत होता है। मित्रों के संबंध में और कारोबार के रिश्तों में भेद दिखाई देता है और फिर सभी संबंधों की एक समानता है। पहले मधुर और प्रिय लगने वाले संबंध बहुत जल्दी कड़वे से प्रतीत होने लगते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? क्या हमारे अधिकतर संबंध बोझ नहीं बन जाते जीवन में? पर ऐसा होता क्यों है? संबंध वास्तव में क्या है? कुछ संबंधों का आधार प्रेम पर होता है तो कुछ अन्य संबंधों का आधार लाभ पर टिका होता है। फिर भी सारे संबंध अंत में टूटने क्यों लगते हैं? एक व्यक्ति जब दूसरे से बंध जाता है तो उसे बंधन कहते हैं, किंतु जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बंधे होते हैं तो उसे संबंध कहते हैं। सम अर्थात समान और बंध अर्थात बंधन। घोड़े और उसके सवार के बीच संबंध नहीं, वो केवल घोड़ा बंधन में है, सवार मुक्त है। संबंध में दो व्यक्ति एक ही प्रकार से बंधे होते हैं, अर्थात संबंध में दोनों व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। पिता यदि पुत्र की परवरिश करता है तो पुत्र भी पिता को प्रेम और गर्व देता है। बड़े होकर वही पुत्र यदि पिता को संभालता है तो बदले में वृद्ध पिता मार्गदर्शन देता है। ऐसा ही हर एक संबंध में होता है। आदान यानी प्राप्त करना, प्रदान यानी देना। ऐसे आदान प्रदान की असमानता दिखाई दे तो वो भ्रम है। वास्तव में जहां असमानता नहीं होती वही संबंध होता है, और संबंध में कड़वाहट का कारण भी उसी से समझ में आ जाता है। जब भी दो में से कोई एक व्यक्ति अपने प्रधान का महत्व अधिक मानने लगता है तो संबंध कच्चा हो जाता है। अपने सारे संबंधों को देखिए और परखिए। यदि कड़वाहट है तो अवश्य आप पाएंगे कि आपका अपना अहंकार बढ़ गया है। जब भी संबंध में किसी एक का अहंकार बढ़ जाता है तो वो संबंध दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। जैसे प्रेम में लोभ विष के समान है, ठीक वैसे ही अहंकार किसी भी संबंध के लिए जहर है। आशा करते हैं आपको विषय पसंद जरूर आया होगा। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा।